यहीं की पैदाइश हूँ, गांगुलपुर से पैदा भी यहीं हुआ था 1977 में। ओके, तो यहाँ आना अच्छा ही लगता है जब भी आता हो मुंबई। सो अभी डीएक्सएन में हम लोग कहाँ जा रहे हैं इसके बारे में आपके अंदर उत्सुकता तो होगी होगी, और हम किस दिशा में तो जा रहे हैं ये तो हमें पता है कि डॉक्टर ने दिशा बहुत पहले बना के रखी थी, सिर्फ तेजी कब लेने वाले थे उसके बारे में हमको जानकारी नहीं थी, या फिर उतना फ्यूल नहीं था। कुछ वाद विवाद हुए थे, कुछ स्पीड ब्रेकर आए थे उस रस्ते में, लेकिन मेरे हिसाब से गाड़ी उस स्पीड ब्रेकर को भी उछलती उछलती उसको क्रॉस करते हुए आगे निकल गई है। अब मेन हाईवे पे आए हम लोग, बड़े वाले हाईवे पे है और ऑलरेडी पांचवें गियर में गाड़ी जा चुकी है, क्योंकि अभी अभी 19th को मैं जब मलेशिया में था तो मैं एक बड़े इम्पोर्टेंट फंक्शन के लिए गया था, वो था डीएक्सएन का जो स्टॉक एक्सचेंज है बर्सा मलेशिया में, उसपे उसका लिस्टिंग होना। ये लिस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है, क्योंकि लिस्टिंग होने के पहले उसके पहले 2 साल हमारी पूरी केस चल रही थी, पूरा छानबीन चल रहा था कि ये कंपनी क्या है, लीगल है या नहीं है, ये इनकी फैक्ट्री ये लीगल है, ये लीगली बनाती है या नहीं बनाती है, इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, सब कुछ चेक करते हो। और चेक करने के बाद एक बड़ी लॉयर फर्म होती है जो मलेशिया में बैठी रहती है, एक फाइनेंशियल फर्म होती है जो मलेशिया में बैठी रहती है, उनके लिए सबसे बड़ा टास्क था, क्योंकि एक हाथ यू नो बड़ी कंपनी का लिस्टिंग करना इजी होता है, लेकिन जब हमने डीएक्सएन को लिस्टिंग किया डॉक्टर लिम ने, तो करीबन 140 प्लस कंपनी एक साथ मिलकर लिस्टिंग किया था, तो इतनी बड़ी एंटिटी का, और चलो एक ही जगह पे रहेगा तो ठीक है एक कंट्री में, लेकिन 150 से भी ज्यादा कंट्री में ऑलरेडी फैल चुकी हुई कंपनी को लिस्टिंग करना, मतलब हर कंट्री का हमको ड्यू डिलीजेंस चाहिए। तो इतने सारे कंट्रीज के लॉयर, हर कंट्री के लिए अलग लॉयर, हर कंट्री का अलग फाइनेंशियल ऑडिटर, जैसे इंडिया में थे हमारे केपीएमजी पार्टनर्स थे, फिर हमारे लॉयर फर्म्स मुंबई के थे बड़े फर्म, तो सैमन को जैसी बड़ी बड़ी कंपनी हमारी यू नो ये थी लॉ फर्म थी जो हमको स्क्रूटिनाइज करी थी, चेक करी थी कि ये क्यों नहीं है आपके ये ऑफिस में, इसका पेपर वर्क क्यों नहीं है, अच्छा कितने एम्प्लॉयज है, इनकी एम्प्लॉयज को इनकी इतनी इतनी सैलरी मिल रही कि नहीं, कितने डिस्ट्रीब्यूटर है, इतने से डिस्ट्रीब्यूटर, पूरा जितना भी यू नो चेकिंग करना चाहिए वो सब करने के बाद 2 साल चली। सबसे बड़ी और लंबी एक्सरसाइज की समझ ही नहीं आ रहा था, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो चुका था कि इसको समझने के लिए ही वो टीम जो थी वो ऑलमोस्ट दिन रात मेहनत कर रही थी, एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग के बाद तीसरी, क्योंकि समझे तो क्या समझे, वो आदमी बोल रहा है डॉक्टर लेम कि 30 साल पहले मैंने ये कंपनी शुरू की, अच्छा ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने गैराडोमा हुआ है उसको मैंने ऑर्डर में डाल के मैंने नेटवर्क के थ्रू इसको मैं लोगों तक पहुंचाया, सुनने बहुत सिंपल है, लेकिन बढ़ते बढ़ते गैराडोमा का कल्टिवेशन एक फैक्ट्री बन गया अलग, उसको प्रोसेसिंग एक अलग फैक्ट्री बन गया, उससे प्रोसेस होके उसके प्रोडक्ट्स वो अलग फैक्ट्री बन गया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिठाना थ्रू नेटवर्किंग वो एक अलग सिस्टम बन गया, हर चीज के लिए एक एक सिस्टम बन गया। ओके, तो हर चीज के लिए ओके सो हर चीज के लिए एक एक सिस्टम बन गया, तो उससे ये पता चला कि ये बहुत बड़ा, हर एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है, हर दूसरी चीज तीसरी चीज से जुड़ी हुई है, कोई भी उससे बचा नहीं है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं बता दूं लेटेस्ट एक्विजिशन हमारा इंडिया में, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अगर आप थोड़ा सोचोगे, मैंने सबसे ज्यादा वक्त अगर ट्रेनिंग का बिताया था यूरोप में, तो कोई भी आदमी कॉमन सेंस से काम जाना चाहेगा, यूरोप ही जाना चाहेगा ना, ये इतना अच्छा जगह, इतना अच्छा पॉसिबिलिटी, लेकिन मेरा मन मान नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम था डॉक्टर का मन कहा है, कहा है इंडिया है, मुझे मालूम हर चीज इंडिया, क्यों, क्योंकि मेरे टॉप के मैनेजमेंट सब इंडियन। ओके, फिर इतना प्यार कि 3 गुना बड़ी फैक्ट्री को यहाँ सेट करना सिद्धिपेट में, उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। ओके, उसके बाद हमने सोचा अभी रुकेंगे शायद, क्योंकि अभी फैक्ट्री तो अभी बन भी नहीं है, अभी बन गई है, प्रोडक्शन तो चालू हुआ है, लेकिन ऑफिशियली ऐसे बड़ी लॉन्च नहीं हुआ है, तो हमने सोचा अब तो शांत हो जाएंगे,
तो ये तो सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, वहाँ पे चाइना में लॉन्चिंग चल रही है नई फैक्ट्री की, वहाँ मेक्सिको में चल रही है, दुबई में ऑलरेडी चल चुकी है, नेपाल में चल रही है, बांग्लादेश में फैक्ट्री की फैक्ट्रियां चल रही है। कौन सी फैक्ट्री कब खुलेगी पता नहीं, मेरे को लगता है हर एक महीने में एक फैक्ट्री खुलने वाली कोई तो देश में, इतनी फैक्ट्रियां खुल रही है। अच्छा क्यों क्यों आदमी फैक्ट्री क्यों खोलेगा, आदमी फैक्ट्री क्यों खोलेगा, डिमांड होगा तभी, डिमांड रहेगा तभी वो लोग अट्रैक्ट करने की, भैया इतना डिमांड है, अगर ये डिमांड अगर 10-20% से भी बढ़ गया तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो इसीलिए उनको क्या एक ही जरूरत पड़ी कि फैक्ट्रियां खोले। अच्छा मैंने सोचा इंडिया में शायद एक बस होगी, उतने में नहीं हम ओडिशा गए, अब ओडिशा में क्योंकि ज्ञानडमा भी हमको चाहिए ना, हमारा सब हार्ट एंड सोल ज्ञानडमा चाहिए, तो मशीन तो उगाना पड़ेगा, डिमांड कहां से आएगी, तो मार्केट से आएगी तो सप्लाई भी करना पड़ेगा। तो हमारा सबसे यूनिक और सबसे पावरफुल वेपन जो है, जो हमें अभी तक पकड़ के रखा हुआ है, जिसको आप बोल सकते इंद्र का वज्र जो है, वो हमारे पास क्या है, हमारा ज्ञानडमा, और उस ज्ञानडमा का मास कल्टीवेशन करना है। अभी हम लोग जो कर रहे थे, अगर आपको मालूम नहीं होगा तो हमारा एक पोल्ट्री फार्म है ओडिशा में, करीबन हम लोग 3 लाख ज्ञानडमा उगाते हैं महीने में, ओके 3 लाख, लेकिन वो भी बहुत कम है, ओके हमको इसको 30 लाख लेके जाना है ना, सोचो कभी 3 लाख हम लोग करीबन 5-6 एकड़ की लैंड में कर रहे थे, तो उसको हमने अभी वो तो रखा ही रखा है, अभी और 25 एकड़ लैंड ओडिशा में खरीद ली। मैं ही जाके रात को हमारे एक स्पेशल मीटिंग, अभी ये तो अगर आप भी मानो कोई भी लैंड का डीलिंग करना होता है गवर्नमेंट का, जहाँ पे गवर्नमेंट का जो क्या बोलते हैं वो जो रजिस्ट्रार बैठता है, अपनी मर्जी से चल सकता है क्या, नहीं ना, वो तो हमें उसकी मर्जी से जाना पड़ता है। लेकिन ये कंपनी में किस चीज की ताकत है, किस चीज का आशीर्वाद है मुझे भी नहीं मालूम। मैं पहुंचा था करीबन शाम को 6-7 बजे, जबकि ऑफिसेस गवर्नमेंट ऑफिसेस बंद हो जाते हैं, पूरा का पूरा रजिस्टर ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस जो मालिक था जो इसका, उसके घर पे शिफ्ट हो गया, गाड़ियां एम्बुलेंस ये जो थी लाल बत्ती गाड़ियां ये सब कुछ, और हमने वहां पे रात को करीबन 11:30-12 बजे अग्रीमेंट साइन किया, पूरा अंगूठा भी मेडल लगा के 25 एकड़ लैंड हमने ले ली अपने लिए, प्लांटेशन के लिए। तो ये विजन है सिर्फ प्लांटेशन, अच्छा वहां नहीं खत्म हुआ, अभी बोल रहे कि डिमांड हमारा इतना है स्पिरुलिना का, तो इंडिया में तो स्पिरुलिना जो चाहिए हमें मिलता भी नहीं है, हम चाहते भी जब डिमांड बढ़ जाता है हम लोकल से खरीदे जाते हैं तो उसकी क्वालिटी टेस्ट में वो फिट भी नहीं होता, और इतना बुरा है इंडियन जो जहां से हम लोग ने सोर्स किया था, इतना बुरा है कि इसको खाने लायक भी नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी बहुत सारी कंपनियां जिसको लेके इसको बना के बेचती है। हमारे और उनके स्पिरुलिना में जमीन और आसमान का फर्क है, ओके हमारा स्पिरुलिना जो कल्टीवेट हुआ तो हमको वही चाहिए था, हमारा छोटा सा पांडिचेरी का फार्म उसको बनाता है, लेकिन उसका डिमांड उतना पूरा नहीं कर सकता इंडिया का डिमांड। हम लोग करीबन 20 टन के आसपास महीने में खर्चा करते हैं, यूज करते हैं एज रॉ मटेरियल, तो उसके लिए हमको अर्जेंटली, बीच में एक पीरियड था ना जहाँ पे स्पिरुलिना का शॉर्टेज था ना, तो वो पीरियड इसलिए था क्योंकि हम लोगों ने जितना भी लोकल इंडियन मार्केट से लिया था वो सब बंद कर दिया था, सबका स्टॉक स्क्रैप कर दिया, निकाल दिया, और चाइना की अपने जो 100 एकड़ की जमीन पे जो फैक्ट्री है कल्टीवेशन सेंटर स्पिरुलिना का, वहां से मंगाया, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट अराउंड 80 टन स्पिरुलिना टैंक, ऐसे बड़े बड़े जो ये आते हैं ना कार्गो शिप्स में, सोचो शिप में से वहां से स्पिरुलिना भर 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 के ऐसे करीबन 80 टन इंडिया में आया चाइना से। अब इसका मतलब है चाइना कब तक भेजेगा, अभी तो हमने बिजनेस शुरू भी नहीं किया एक्चुअली, मैं तो मैं डॉक्टर हम लोग ये सोचते कि टीएक्सएन ने अब तक एक्चुअली सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का पैम्पलेट रहता ना, हम लोग कोई नया प्रोग्राम शुरू होते हैं कि अभी हम लोग कुछ करने वाले हैं, ऐसा हमने अभी तक टीएक्सएन बिजनेस शुरू किया, अब तो बिजनेस करना चालू करने वाले हैं, अभी तो शो शुरू हो रहा है, ओके अभी तो सिर्फ पोस्टर निकाल के रखा था, अभी तो शो शुरू हो गया। तो अभी जब डिमांड इसकी बढ़ेगी, जब आपको 200 टन लगे कहां से लगे, देखो ये कोई ये नहीं ना कि आप मशीन से बना दो और दे दो, ये खाने वाली चीज है, आपको उगाना पड़ेगा, और उगाने के लिए आपके पास सिस्टम होना ही पड़ेगा, खेती करनी पड़ेगी। इसीलिए अभी नया गुड न्यूज ये आ रहा है कि हम आंध्र प्रदेश में
डॉक्टर लिंग और हम लोगों ने फाइनल किया। डॉक्टर लिंग ने जगह भी चेक कर ली, एक जगह है नागार्जुन कोंडा, वहां पे करीबन 100 एकड़ सिर्फ स्पिरुलिना फार्मिंग के लिए। सोचो क्यों, क्योंकि हमको चाहिए, जरूरत है, और वो भी कम है बोलते डॉक्टर। अब बताओ वो आदमी इसका विजन देखो, वो बोलते इंडिया के पॉपुलेशन के लिए 100 एकड़ कुछ भी नहीं है। ओके, क्योंकि जिस हिसाब से जरूरत पड़ने वाली न्यूट्रिशन चीजों की, क्योंकि कैंसर तो बढ़ रहा है, क्रॉनिक डिजीजेस बढ़ रहे हैं, हर फार्मास्यूटिकल कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही दवाई बनाने के लिए, लेकिन कोई भी न्यूट्रिशनल कंपनी अपनी कैपेसिटी कल्टीवेशन में नहीं बढ़ा रही, सब लगे हुए गोलियां बनाने में। कोई बेसिक मटीरियल जैसे खाना करने खाने के लिए तुमको खेती करनी पड़ेगी, वैसे सप्लीमेंट्स बनाने के लिए तुमको सप्लीमेंट उगाने पड़ेंगे ना, बिना उगाए तो कैसे बनाओगे सप्लीमेंट। और ये हमारी कोर फिलोसफी, ये हमारी ताकत है। अभी ये लेटेस्ट ड्रिंक कम्बुचा देखा कैसा है, बढ़िया है, अच्छा ये नहीं है, एक नंबर, नंबर वन। यस, ये सिर्फ नॉर्मल ड्रिंक नहीं है, ये लाइव फैक्ट, उसमें आप बोल सकते हैं, हम लोग उसको भी बोलते हैं, वो सिम्बायोटिक कल्चर ऑफ बैक्टीरिया ईस्ट से। ओके, तो ये जो है ये इतना पावरफुल है, जब हमने शुरुआत की थी तो हमने इतनी सी शुरू की थी, इतने से हमने थोड़ा सा और बढ़ाया, बढ़ाते आज करीबन 25,000 लीटर हम लोग दिन में बनाते हैं। कितना, जो हमने एक बर्तन में उबाल के बनाया था चाय, और उससे जो बनाया था, आज अगर आप देखोगे तो अगर इसके 4 गुना बड़ी करी जाए तो आप बड़े बड़े ऐसे रिफाइनरी देखोगे, बड़े बड़े ऐसे टैंक लगे जिसके अंदर आपकी कंबुचा गुना फर्मेंट होती रहती है। आप जाओगे ना इस बार तो आपको दिखेंगे करीबन 6-8 ऐसे बड़े बड़े टैंकर्स है 10,000 लीटर के, जो इसे फिल करके हम लोग रखते हैं, उसमें फर्मेंट होने देते हैं 3 से 10 दिन 15 दिन हम लोग उसको फर्मेंट करते हैं, फिर उसमें से आपकी बॉटलिंग में जाता है पाइप टैंक, पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम। हमने सोचा भी नहीं कि कम्बुचा हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट होगा सिटी में फैक्ट्री से, कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन यही खासियत है डॉक्टर लिंग की, वो 10 चीजें करते हैं, इतना पैशनली करता है कि एक तो आ ही जाता है। ये कहां से आती है इनकी फिलोसफी, तो आपको एक उनकी कहानी बता दो। भिंडी बता है, भिंडी तो बोलते हैं राजेश मेरे को भिंडी खाने का बड़ा शौक है और मुझे ऑर्गेनिक और अच्छी भिंडी खाना अच्छा लगता है, लेकिन क्या पता है कि मार्केट में आने वाली है कि नहीं। तो भिंडी के लिए देखो क्या करते थे, वो भिंडी के बीज दे देते, बोलते मेरे घर के पिछवाड़े में मैं फेंक देता था, सिर्फ भिंडी के बीज फेंक देगा, इसके बाद उसकी तरफ देखने का भी नहीं। उसमें से थोड़े दिन बाद एक हाथ 2 या 3 10 जितने भिंडी आ गए छोटे छोटे आगे, इनको थोड़ा पानी देंगे। ओके, बस उतना करके निकल जाने का, थोड़ा सा पानी देने का, छोड़ देने का, टफ रफ एंड टफ। इसमें से कुछ बेचारे मर जाएंगे, 1-2-3 जिंदा रहेंगे, जी भी लेंगे, उसमें से 1-2 कीड़े भी लगेंगे, एक हाथ पूरी जिंदगी खत्म करेगा, उसको फूल लगेंगे, उसको वापिस फल लगेंगे, उसकी सीड आएगी, वो सीड लेगा और फिर वापिस लेंगे, नेक्स्ट सीजन में वापिस आ रहे हैं, वापिस ये साइकिल करते हैं। बोलते मैंने 3-4 साल ये साइकिल किया, अब मेरे जो भिंडी बनते ना उसमें ना कीट लगते हैं ना कुछ होता है, सब के सब मेरी बात सुनते, अगर मैं डालता हूं तो बाहर आते हैं। अब वो बोलता है जितना चाहिए मैं भिंडी बनाता हूँ, और सब के सब विदाउट पेस्टिसाइड विदाउट एनीथिंग, क्योंकि मैंने एक नई जनरेशन एक प्रजाति विकसित की। कैसे, कि इसको मैंने टफ कंडीशन से गुजारते हुए किया। हमारा स्पिरुलिना भी ऐसा है, आप ये मत सोचो कि स्पिरुलिना हमारा क्या है, हमारा स्पिरुलिना डॉक्टर मेरे को बता रहा था कि जब वो उन्होंने सब जगह से सब स्ट्रेन मंगाए थे, दुनिया में जितने भी स्पिरुलिना के स्ट्रेन वो सब मंगाए थे, और सबको टेस्टिंग करने के लिए उन्होंने अपने पॉन्ड में डाला था, 99% सब मर गए। तो बोलते ये इतना स्ट्रॉन्ग है, इसको कंट्रोल एनवायरमेंट में चाहिए, और उतना खर्चा बहुत डॉक्टर करने वाला नहीं है, जितना टफ में हो गया उतना टफ में हो गया नहीं, ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देता, लाड और प्यार से किसी को नहीं पाता डॉक्टर, इतना तो मैं सीखा ना हमको ना आपको। ओके, लेकिन टफनेस जरूर देता है। तो फिर उसमें से उन्होंने देखा कि कहीं तो किधर तो कोने में एक छोटा सा ऐसा झुमका बोल सकते ना हरा हरा, वो था, वो वहां जोड़ा हो रहे, तो उठाओ उसे, उसको लेके गए पेट्री डिश में, और उसको डिश में लेके लैब में चेकिंग किया, ये वाली अच्छी प्रजाति बच गई है, इतने इसमें से ये बच गई, तो इसको उन्होंने मल्टीप्लाई किया लैब में,
उसको बॉइस में रखिए, उसको ऑक्सीजन डाल के उसको भर्ती लग गया, फिर वापिस पॉन्ड में डाल। पॉन्ड में इस बार डालती जो लास्ट टाइम 99% फेल हो गया था, इस बार 80% फेल हो गया, 20% टिका। वो 20% हार्वेस्ट किया, वापिस करते 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 अभी हमारे पास जो स्पीशीज है स्पिरुलिना की, वो चाइना के ठंडे एनवायरमेंट में भी उगता है और सिटी पेट के 45 डिग्री सेल्सियस के एनवायरमेंट में भी उगता है, बहुत टफ है। और जो टफ स्पिरुलिना तुम्हारे अंदर जाते ही हर बीमारी को कैसे मारेगा, वो टफ से मारेगा, राइट। इसीलिए हमारा स्पिरुलिना की जो प्रजाति है, जो विकसित की गई है, वो टफनेस से विकसित की गई और इसीलिए बहुत पावरफुल है। कमजोर, नाजुक, एकदम बोलते ना प्यारी प्यारी ऐसी नहीं है, रफ, टफ, न्यूट्रिशनली फिट पैक, ये ऐसी हमारी स्पिरुलिना है। अच्छा, यहाँ अगर इसकी बात है तो गैनेडोमा की यही यही है, लेकिन गैनेडोमा की कहानी 30 साल पुरानी है। तो जो स्पीशीज अभी आपके पास है वो इतना पावरफुल है कि हर एक जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन हमारा गैनेडोमा बेटर का बेटर का बेटर ही होने वाला है, क्योंकि हर स्पीशीज जो है वो पहली वाली स्पीशीज से अच्छी होने वाली है, ये टैप किया है डॉक्टर ने। तो हमारा जो R&D सेक्शन है बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पेशेंस, जो डॉक्टर लिम के पास है, जिसके ऊपर वो ये चीजें बनाता है। और इसीलिए BSN के कॉम्पिटिटर कहीं में भी नजदीक में भी नहीं है, आने वाले कितने सालों तक BSN के कॉम्पिटिटर नहीं बन सकते। कल्टिवेशन में तो है ही नहीं कोई, कल्टिवेशन इतने स्केल का इतना कोई नहीं कर रहा। इसीलिए BSN का बेस आपको मालूम होना चाहिए कि क्या है कल्टिवेशन, और यहाँ नहीं रुका है, हमारा कल्टिवेशन जारी है, हमारा कल्टिवेशन और अलग अलग चीजों में जारी है, और बहुत सारी चीजें हम लोग खुद करते हैं। और ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है कि फर्स्ट वन ड्रैगन कंपनी हम लोग, तो कल्टिवेशन किसका, हमारा। सेकंड, उसको प्रोसेस करने का तरीका भी अलग होता है। यूजुअली जैसे आपकी कम्बुचा ले लो, कम्बुचा में आपको जब मार्केट में जाते हो यूजुअली वो लोग आर्टिफिशियल कार्बोनेशन डालते हैं, उसमें गैस डाल देते हैं, फिर उसको उसके अंदर जो स्को भी जमा होता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, लोग पियेंगे नहीं, इसलिए उसको गर्म पानी में डाल के पैस्चराइज कर देते हैं, अंदर के बैक्टीरिया मार देते हैं, सिर्फ उसके टेस्ट के लिए उसको रख देते हैं। डॉक्टर ने बोला नहीं, अंदर फ्लोटिंग बॉडी भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन ये कम्बुचा जिंदा होना चाहिए, ओके। इसीलिए कोई भी चीज से हम पैस्चराइज नहीं करते। दूसरा, उसमें हम आर्टिफिशियल कार्बोनेशन नहीं डालते, लेकिन अगर आपने देखा होगा कभी कभी कार्बोनेशन बहुत स्ट्रांग होता है, कभी कभी कम होता है। अगर कम हो तो वो बैच को थोड़ा दिन रखना, 1-3-4 दिन अगर आप रखोगे तो फुल्ली कार्बोनेटेड हो जाता है खुद ब खुद, क्योंकि कार्बोनेशन अंदर के अंदर होता है, ओके। ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि सेल्फ कार्बोनेटिंग ड्रिंक है, आप जितना लंबा रखोगे उतना अच्छा और स्ट्रांग स्पीशीज बनेगा। तो सड़ने वाली प्रक्रिया वो जारी है, लेकिन ये अच्छी सड़ने वाली प्रक्रिया है, इसलिए जितना पुराना उतना अच्छा, ओके। जहां लोग एक्सपायरी से डर रहे थे, हम एक्सपायरी के लिए तड़प रहे थे कि अब कब हो गई, जितना पुराना उतना अच्छा, तो हमारे पास वो भी एडवांटेज है। ऐसे ही हमारे जो प्रोडक्ट्स है, ये सब प्रोसेस जो करते हैं स्पेशली प्रोसेस होते हैं। तीसरा, हमारा सिस्टम, अभी एक कॉम्पिटिटर कंपनी है, उनके इंडिया में डामाडोल चल रहा है ये इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में और डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि अनसर्टेनिटी उस चीज की होती है जो स्थिर नहीं होता, जो हिलता डुलता है, एक तूफान आने के बाद गिरेगा कि नहीं गिरेगा, पक्का गिरेगा। तो बहुत सारी चीजें कैसे पता चलता है कि फाइनेंशियल प्लान आज ये कंपनी का स्टेबल है कि नहीं, अगर कुछ सालों तक अगर वो बदला नहीं होगा, आपको लगता है BSN का प्लान बदला है, बदला ही नहीं बदला। लेकिन बहुत सारी कंपनी के प्लान 2-3 साल में, 4 साल में बदलते रहते हैं, जो बदलता है वो स्थिर नहीं है, जो स्थिर नहीं है एक तूफान आएगा फाइनेंशियल और उसमें बह जाएगा। BSN का फाइनेंशियल कैपेसिटी आप देखो, वी आर वेरी वेरी रिच फाइनेंशियल, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा पावर है हमारे डॉक्टर की सिंप्लिसिटी। इतने बड़े आदमी होने के बाद भी, मैं अभी इनके पास पिछले महीने था, एक वन रूम किचन में वो आदमी एक मॉम की तरह जीता है, अपना ऐसा पहन के अपना खुद का राइस उबाल के वो खाता है, वहीं पे रहता है, वहीं ऑफिस जाता है, मीटिंग करके वापस उधर आता है, शाम को बिना चप्पल के गोल घूमता है, बोलता है हाँ थोड़ा सा क्या मसाज हो गया पैर का, हाँ काम भी हो गया, आके वापस लेट जाता है, यही करता है वो। इतना सिंपल आदमी आपको लूटने नहीं बैठा है,
आपको क्या कुछ तो देने बैठे, तो देने वाला आदमी अगर हमको दे रहा है, अच्छी चीज दे रहा है, तो पहली चीज तो आप डर निकाल दो कि एक से कुछ होने वाला है आने वाले। ये सिर्फ डॉक्टर लिम की लाइफ नहीं है, क्योंकि डॉक्टर लिम ने अभी इसे लिस्ट कर दिया है, अब ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई है। ओके, एक एंटिटी होगी जो हमेशा 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 के लिए अभी डीएक्शन अमर हो गया, वहां तक लाके छोड़ा है। अब सिर्फ इसको कितना संस्कार दे सकते हैं ये हमारा काम, और कैसे कर सकते हैं, जो आदमी अच्छा होता है, जिसकी आदमी की अच्छाई होती है, जो अच्छी चीजें देता है, हमें उसकी अच्छाई को लोगों तक पहुंचाना ये हमारा काम है। हर एक व्यक्ति, इसलिए डॉक्टर बोलता है दूध है मेरा दूध, ये मेरा दूध इसलिए है क्योंकि ये मेरे जो विचारधारा को लेके, मेरे जो बनाए हुए प्रोडक्ट को लेके लोगों को पहुंचाता है, क्योंकि मेरी एक ही विचारधारा है, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस। सेहत जरूरी है, अगर शरीर ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक है, अगर आपके पास वेल्थ रहेगा तो सब कुछ ठीक है, हैप्पीनेस की खोज करनी नहीं पड़ती। ये दोनों कर लो, हैप्पीनेस खुद खुद आपके घर पे रहती है, राइट और रॉन्ग। जिसकी सेहत अच्छी, जिसके पास पैसा है वो काय का दुखी, राइट और रॉन्ग। जिसकी सेहत नहीं अच्छी, पैसा दुनिया भर का फिर भी दुखी, राइट और रॉन्ग। जिसकी सेहत अच्छी, एक रुपया नहीं किसे में, वो भी दुखी। लेकिन अगर ये दोनों जिसको मिल गए हैं वो खुश रहेगा कि नहीं रहेगा, जबरदस्त खुश रहेगा। तो हमारी जो फिलोसफी वो देना बहुत सिंपल प्रिंसिपल यही है कि ये है। अभी फ्यूचर क्या है, अभी यहाँ पे मेरा टॉपिक रखा था डिसीजन मेकिंग, हैबिट्स एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ लीडर्स। अब आप सब लीडरशिप में हो, ओके, आपके सबके पास टीम है, आपको ये, अभी मैं किसी से गाड़ी में चला रहे थे, बात कर रहा था, तो मैंने उसको यही बता रहा था कि माँ बाप आज देखो बहुत सारे सेंटर खोल रहे हैं इनफर्टिलिटी के सेंटर्स, बच्चा चाहिए सबको, शादी हो गया तो क्या चाहिए, बच्चा बिना बच्चों की माँ बाप ना, मतलब हस्बैंड वाइफ लड़का लड़की बड़े परेशान होते हैं, उनको बच्चा चाहिए। अच्छा आप सोचो क्यों चाहिए बच्चा किसी को, आपके भी बच्चे होंगे, क्यों चाहिए हमको बच्चे, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए बता सकते हो? फैमिली बड़ा होना क्या, फैमिली बड़ा होना चाहिए, फैमिली बड़ा होने के लिए आप जाके दूसरे की फैमिली मिक्स हो जाओ, फैमिली बड़ी हो जाएगी। और बताओ बच्चे क्यों चाहिए, देखो मैंने देखा है तड़प तड़प देखी है, एक अगर कपल को अगर नहीं हो रहा है वो पूरी जान लगा देगा, पूरी जिंदगी की कमाई लगा देगा, दाव लगा देगा, सब कुछ एक बच्चे के लिए, क्यों, क्या है उस बच्चे खुशी। वेरी गुड, हाँ तो वो बच्चे, मैं अभी पहले वापिस जा रहा हूँ, कहा